इतनी जिहादी टाइप की महिला है, कल मैं ये गाड़ी मेरी पर्सनल गाड़ी है, इस गाड़ी से मैं कभी कहीं नहीं जाता हूँ। कल मैं सफदरगंज गया था और लक्ष्मी नगर जा रहा था मैं जी। कल रात में दो मुसलमान लड़कों ने मेरे ऊपर हमला किया, लेकिन अभी अभी मुझे जानकारी मिली कि ये हमला आपके लिए था कि आप कार्यक्रम में बाधा मत बनना। लेकिन मैं बता रहा हूँ, अगर कार्यक्रम हुआ तो ये अच्छी बात नहीं होगी। आप बताइए, ये पाकिस्तान से आके एक महिला मेरे ऐसे व्यक्ति पर जब हमला करा सकती है, जब मेरे ऊपर अपने जासूस भेज सकती है, तो सोचिए ये कितनी शातिर महिला है। बिल्कुल, 12 तारीख को कहा था कि शादी की सालगिरह मत करना जी। कल मेरे ऊपर रात में हमला हो गया। अच्छा, मैं बाल बाल बचा, जिसकी सूचना मैंने गृह मंत्रालय, पुलिस कमिश्नर सबको दे दी। और ये, और मुझे पूर्ण विश्वास अब लग रहा है कि हमला कराया इसी ने। ये देखिए, मैं दिखा रहा हूँ आपको, देखिए आपके दर्शकों को भी दिखा रहा हूँ, ये देखिए, अरे ये देखिए, ये यहाँ पे ये डंडे मारे गए शीशे पर, ये जी जी। ये किताब अपने जी। आप अपने दर्शकों को दिखाइए कि कैसे मैं बाल बाल बचा, ये देखिए जी। बिल्कुल, हमारे पूरी जो गाड़ी है ये, और ये देखिए एकदम जैसे, ये देखिए ये नहीं नहीं वो तो सब हमने कर दिया। आप समझिए, ये अकलमंदी है। अगर ये अकलमंदी नहीं होती तो आप समझिए, अब मुझे तो ये लग रहा है कि क्योंकि आपने चिट्ठी भी देखी थी, मैंने कहा था 12-13 तारीख में कोई कार्यक्रम सीमा नहीं करेगी जी। बिल्कुल, ये कल शाम में मेरे ऊपर हमला हुआ जी, तो मैंने पत्र भी लिखा है और इसमें पुलिस भी पैसा खा रही है। ये आप समझिए कि मेरे ऊपर ऐसा नहीं कि इसमें सीमा ही इन्वॉल्व है, इसमें सीमा का पूरा एक ग्रुप भी इन्वॉल्व है। कल मैं अपने परिवार के साथ इस गाड़ी से जा रहा था, मुझे अभी पूर्ण विश्वास है और अभी एक इनविटेशन भी मेरे पास आया है। मैं बताऊं आपको इनविटेशन में क्या लिखा है, देखिए मैं आपके दर्शकों को दिखा रहा हूं। ये जी, ये रघुपुरा थाने का व्हाट्सएप नंबर है जी, और मैंने इनको ये लेटर भी भेज रखा है जी जी, कि आप ऐसा नहीं करेंगे। और ये देखिए इनविटेशन आया है, देखिए। हाँ जी, हाँ जी। ऊपर हमला कौन करा सकता है? अरे भाई, मैंने आज से 4 दिन पहले चिट्ठी लिखी थी कि नहीं लिखी थी? जी लिखी थी बिल्कुल, कि भैया 12-13 में कार्यक्रम नहीं होना चाहिए जी। अब इसने हमला करा दिया, अब आप बताओ आपको क्या लगता है? अभी अभी मुझे एक दो लोगों ने कहा कि राजवर्धन भैया, ये पक्की साजिश सीमा के ही है, और सीमा को जो लोग भारत में संरक्षण दे हैं, आप सतर्क रहिए, आप सुरक्षित रहिए, ये हमला आप पर हो सकता है। इसीलिए मैंने कहा मैं आपके चैनल पे लाइव आना चाहता हूँ जी। इसके लिए मैं तो आपके दर्शकों को, मैं तो भारत के लोगों को ये दिखाना चाहता हूँ कि कितनी नंगी औरत है ये, कितनी नीच औरत है ये। आखिर इस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? सीमा हैदर को भगाओ, सीमा हैदर को भगाओ। मैं तो कहता हूं कि आपके दर्शकों के माध्यम से अगर मुझे कोई खरोच आई, मुझे कोई हरकत हुई, तो या तो इसके पाकिस्तान में बैठे लोग या भारत में बैठे लोग, और मैं तो वैसे भी मजार मुक्त, लव जिहाद मुक्त, नशा मुक्त का नारा दे चुका हूँ भाई। मैं तो अजमेर की दरगाह पर वैसे भी गंगा जल चढ़ा चुका हूँ। मैं तो कहता हूँ कि अजमेर की दरगाह नहीं, हमारा पवित्र हिंदू मंदिर है। तो आखिर सीमा हैदर चाहती क्या है जो पाकिस्तान से आई है? अब आप समझ लीजिए कि अब क्या होगा इस देश का, क्या होगा हिंदुस्तान का, आखिर जिम्मेदार कौन है सीमा को संरक्षण देने का? बिल्कुल सर, आप उसके, अरे लेटर लिखने से काम ही नहीं चलेगा। आप बताइए, मेरे ऊपर हमला हो रहा है, बल्कि मैंने ऑलरेडी ये कहा था कि 12-13 तारीख में सीमा हैदर द्वारा कोई कार्यक्रम नहीं किया जाएगा। इसका मतलब है कि मुझे धमकाने के लिए, मुझे डराने के लिए सीमा हैदर के लोगों ने मेरे ऊपर हमला कराने का काम किया है।
भाई हम पुलिस को तहेर नहीं दिया, हमने पुलिस कमिश्नर को एक चिट्ठी लिख दी, गृह मंत्री को चिट्ठी लिख दी, प्रधानमंत्री को एक चिट्ठी लिख दी। ऐसा है ना, थाने वाने की पुलिस जो है ले दे के मामला साइलेंट कर देती है। अब कहीं ना कहीं इसको संरक्षण तो देखिए प्राप्त है। ये मैं चिट्ठी लिख रहा हूँ, अरे भाई उसको नागरिकता नहीं है। और सीसीए कल आया, हम प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद दे रहे हैं, ऐसा पटक्का लगा रही जैसे इसके घर में लल्ला पैदा हो गया हो। इस प्रोटेक्शन का अलग मैटर है, लेकिन बताइए पाकिस्तान से आई महिला भारत के व्यक्ति पर हमला कराने का काम कर रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल। अब आप बताइए, मैं आखिर मैं तो लाइव दिखा रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ भाई। अब सीमा के डर से मैं तो गाड़ी अपनी फोड़ नहीं लूंगा। आप बताइए, ये हमारे ऊपर हमला कर दिया, आप बताइए जब जब राजवर्धन सिंह परमार जैसे व्यक्ति पर हमला हो सकता है, तो आप जैसी पत्रकार और आप जैसे लोगों पर आवाज उठाने वाले लोग तो सुरक्षित ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सर, हाँ बिल्कुल जी। नहीं तो मैं वही कहना चाह रहा हूँ, चलिए आपके चैनल से जुड़े बहुत अच्छा लगा, लेकिन जो लोग जुड़े हैं वो आवाज उठाएं कि ये महिला आखिर चाहती क्या है, आप क्या करें बताइए। ये देखिए हमारी नई गाड़ी का इसने बैंड बजा दिया, नई गाड़ी का बैंड बजा दिया, बताइए क्या करें। बिल्कुल, अगर सर मैं क्या कह सकता हूँ। चलिए आप सब जुड़े बहुत अच्छा लगा, सभी को जय श्री राम। और मैं आप सबके आशीर्वाद से सुरक्षित हूँ, लेकिन लेकिन इस विषय पे जरूर आप चर्चा करिए। बिल्कुल बिल्कुल चर्चा।